गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम बीएसएस मैडम। तुम्हें फिफ्थ सेमिस्टर तुम कौन पढ़ तुम यूनिट थ्री आक्वाकल्चर वन। तो आक्वाकल्चर वन आम आज पढ़ा प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हार्वेस्टेड फिश। मैंने फिश को आम कमी प्रिजर्वेट कर रखा मैंने अधिक दिन यूज करने तर प्रोसेसटा केमी करवा। फास्ट तुम पॉइंट हूँ कौन फिश प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग। इंट्रोडक्शन करना दिस इज द मेथड यूज टू कीप सरप्लस फिश इन गुड कंडीशन फॉर लेटर कंजप्शन। मैंने कौन लेटर मैंने आम कंजप्शन करने कमी कौन बहुत दिन रखिकिना कमी प्रिजर्व करेथड यूज कराऊ कमी ना इट इज द प्रोसेस एंड प्रिजर्व। मैंने कौन प्रोसेसटा हूँ तुम आस प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रिजर्वटा तुम आसीज सेकेंडरी प्रोसेसिंग रे ऑफ द फिश बाय सिंपल मीन्स नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट टू टारगेट मार्केट और फैक्टरीज व्हाइल इट इज इन गुड क्वालिटी। मैंने आम कौन करते रखिपार्थ जमी कौन हो मार्केट आम भल ट्रांसपोर्ट कर पार्थ्वा ट्रांसपोर्ट कर नष्ट न हो पार्थ तुम देखि माछ गोटे कौन ये पची जाए भी मैंने ठीक से हिंसा प्रिजर्व कर रखि न था से ही आम कम प्रिजर्व कर रखा कौ केमिकल दवा न देवा तो ता विषय में आज पढ़ा। फास्ट हूँ तुम प्रोसेसिंग ऑफ फिश। द टर्म फिश प्रोसेसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड विथ फिश एंड फिश प्रोडक्ट बिटवीन टाइम फिश कट एंड टाइम द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। बुझल जे कौन फिश प्रोसेसिंग कौन होता है माछ धरिया जो टाइम टाइम कौन करिया माछ धरिया एंड टाइम द फाइनल प्रोडक्ट माने जोटा कौन कर फाइनल प्रोडक्ट मैं कस्टमर मानक पाखे नहीं पहुँचवा। द हार्वेस्टेड फिश सुड बी क्लीयर क्लीन एंड कूल्ड एज सुन एज पॉसिबल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिश स्पॉइलेज नॉट गटेड एंड क्लीन प्रॉम्प्टली डेवलपिंग रॉ ऑर्डर एंड कलर क्लीन फिश फास्ट बी पुट इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन इन आइस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम हैंड्स पार्किंग एरिया कटिंग बोर्ड्स नाइफ्स एंड यूटेनसिल्स शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन्ड विथ वाटर। मैंने कौन जोटा भी आम जो थे रखा प्रॉपर्ली भाव कौन कराया क्लीन करवा। देन देखा फिश प्रिजर्वेशन देखा प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू स्टोर द फिश फॉर ए लॉन्गर टाइम है। प्रिजर्वेशन जान तुम पचार व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। प्रिजर्वेशन कौन गोटे प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्टोर मैंने फूड टू स्टोर रखे जमी कौन लॉन्गर टाइम पे रखिपार एंड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज आज मैंने कौन माछ को नष्ट करना एंड वेरी पॉसिबल फिश प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ फिश एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखा केमती कौन आम रखुचे फास्ट पे तुम कौन करना इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस ऑर्डर इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स केमती आम क्वाडिट रखिपर ना। फास्ट आम कौन कर प्रिजर्व करने टुक टुक टेक् केयर ऑफ एक्सेस प्रोड्यूस रिचेस एरिया व्हेयर फूड आइटम इज नॉट अवेलेबल मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फिश इजियर प्रिजर्विंग फूड्स एट होम फिश कैन बी प्रिजर्व्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। देख कतेथड टोटल रोच चार्टा मेथड रोच फास्ट मेथड तुम रोच सल्टिंग कौन कर लुण पा रखिपर देन डिहाइड्रेशन करन इनक्रीजिंग टेम्परेचर स्मोकिंग मैंने कौन जन तुम बरफ रखुच देन लोयरिंग टेम्परेचर चिलिंग एंड फ्रिजिंग यूजिंग प्रिजर्वेशन ऑफ कैनिंग एंड पिकलिंग पिकलिंग रखिपर भी कौन कर कैनिंग कैन पुरेकना भी रखिपर देन फास्ट पढ़ा सल्टिंग सल्टिंग प्रोसेस आम कमी फिशटा को प्रिजर्व कर रखा सल्टिंग सल्ट इज द प्रिजर्वेटिव एजेंट एजेंट यूज टू लेंदेन ऑफ टू सेल्फ लाइफ ऑफ फिश ऑफ फिशरी प्रोडक्ट्स द अब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस द स्पॉइलेज। मैंने कौन करे जो मछर आम से कौन करते अब्जर्व करदे मॉइस्चर सब कौन करे अब्जर्व करदे किए सल्ट तो करदे कि ना कौन करदे मछ को मैंने स्पॉइल हाँ नाबापी सी कम करमी दिस इज यूज इन अलमोस्ट अल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन एक्सेप्ट आइसिंग रिफ्रिजरेशन एंड फ्रिजिंग देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सॉल्ट बेटर फॉर फिश क्योरिंग ए डिस्टिंक्शन मस्ट बी वेड
बिटवीन द टू चीफ टेक्निक ऑफ सॉल्टिंग ना फास्ट हूँ तुम्हारा वेट सॉल्टिंग जेन हूँ ड्राए सॉल्टिंग वेट मैंने तो जानते हो उदाड़िया सॉल्टिंग है तो ड्राए मैंने कौन सुखिला देखिए वेट सॉल्टिंग रे केमती हो पिले ना वेट सॉल्टिंग इज द चिपर सिंस इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट चिपर मैंने कौन बहुत सस्ता भाव कौन वेट सॉल्टिंगटा इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द फिश फॉर ए लॉन्ग टाइम टू ब्राइन पार्ट्स ऑफ क्लीन वाटर सी एंड फ्रेश वाटर एंड वन पार्ट ऑफ सॉल्ट इन ए वाटर लाइट कंटेनर व्हिच कैन बी ए टिन ड्रम बैरल एटसेट्रा टू बी गुड द ब्राइन मस्ट बी फ्लोट टू ए फिश इट इज द बेस्ट फास्ट ऑफ कट ऑफ द हेड एंड गॉट लार्स ऑफ फिश एंड क्लीन द फिश थ्रू द स्मॉल फिश कैन ऑल्सो सॉल्टेड होल एमती हम सॉल्टेड करी ना कौन करवाजर्व करें आसो ड्राए सॉल्टिंग सेटा कौन कला वेट सॉल्टिंग ड्राए सॉल्टिंग ना इन ड्राए सॉल्टिंग मेथड द फिश इज सॉल्टेड रेसीओ होती कौन 2:1 बट द जूसेस स्लाइम एंड ब्राइन आर अलाउड टू फ्लो अवे लेयर्स ऑफ फिश मस्ट बी सेपरेटेड बाय लेयर्स ऑफ सॉल्ट ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ଲେଖିବ ଡ୍ରାଏ ସଲ୍ଟିଂ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ ଡ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖରାରେ ରଖିଦେବ ସନ୍ ଡ୍ରାଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଉଛି ବି କ'ଣ କରିବା ଦେନ୍ ସ୍ମୋକିଂ ସ୍ମୋକରେ କେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ସ୍ମୋକ୍ ହଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ମୋକିଂରେ କେମିତି କରିବ ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂରେ କେମିତି ଦେନ୍ ଆସିବ ତୁମର ହଟ୍ ସ୍ମୋକିଂ हॉट स्मोकिंग ना दिस सिस्टम इज यूज फॉर इमीडिएट कंजक्शन ऑफ टू कीप द फिश फॉर मैक्सिमम 48 आवर्स मैंने कौन फास्ट आम रखिपर मैंने आम तो एमती देखा मैंने लंग टर्म पर रखी ना सांगे सांगे रखिपर मछटा के 40 मैंने आम के 48 आवर्स मैक्सिमम रखिपर कौरे हॉट स्मोकिंग देन तुम आस लंग स्मोकिंग ना बाय दिस प्रोसेस नॉन ऑयली फिशेस कैन बी केप्ट मैं जो फिशेस ऑयली बाहर ना से आम कौन कर रखिपर कौ प्रोसेस ना लंग स्मोकिंग प्रोसेस देन तुम आसव चिलिंग चिल्ली मैंने तुम तो जान थो पूरा आइस पूरा भर्ती थी ना दिस डन बाय कवरिंग विथ द फिश लेयर्स ऑफ आइस मैंने कौन फास्ट कौन कर आइस दब आइस कौन कर फिश रख पर आइस दब पुणी फिश रख एमती लेयरिंग वाइज रख चिलिंग से कौन चिल ही रिले ही रेत कौन हम कि कौन मछटा पूरा फ्रेश ही र देन तुम आसो फ्रिजिंग ना दिस इज मोर इफेक्टिव दैन चिलिंग चिलिंग ठार ये हूँ कौन हो मोर इफेक्टिव किए फ्रिजिंगटा फ्रिजिंग प्रोसेस ना फ्रिजिंग इज अचीव्ड आइदर बाय द यूजिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस सॉल्ट रेफ्रिजरेटर मैंने कौन सॉल्ट और आइस रखी ना भी आम मिक्सचर होता है कौटा फ्रिजिंग रे सब जीरो टेम्परेचर सो ऑप्टेन कीप्स द फ्रिज फिश फ्रोजन थ्रू आउट द टू प्रिवेंट रैंसिडिटी द फ्रोजन फिश इज सब्जेक्ट एंड ग्रेजिंग डिपिंग द फूड अगेंस्ट द एक्सपोजर फिश द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्रिवेंटिंग द रैंसिडिटी देन एज कैनिंग 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 दिस इज ए वेरी कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेथड कौटा कैनिंग मेथड तुमको पड़े कॉस्टली मेथड कौटा चीप मेथड कौटा पिकलिंग मैंने पिकलिंग मेथड कौन ना दिस इज वेरी कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेथड व्हिच इज फिश कंडीशन रिमेन गुड एंड रिटेन्स मच ऑफ फ्लेवर मैंने यहाँ सब फिश मैंने रखापी बहुत कौन है सुइटेबल बहुत गुड प्रोसेसटा यहाँ फिश इज क्लीन एंड कट टू प्रॉपर बोनलेस फिशेस एंड फिल्टरिंग प्लांट्स दिस फिशेस आर द ब्राइंड एंड पिकल्ड द इम्प्रूव्ड टेस्ट देन आस तुम पिकलिंग पिकलिंग बाय दिस मेथड पिकल्ड फिश मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर आट नो हायर दैन 40 degrees फारेनहाइट मैंने कौन 40 degrees अधिक अधिक रही एंड फॉर बेस्ट फ्लेवर इट मस्ट बी यूज्ड विद इन द 4 to 6 weeks ओनली ए फ्यू स्पीसीज ऑफ फिश आर प्रिजर्व्ड कमर्शियली बाय पिकलिंग बट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ फिश मे बी पिकल्ड एट होम देन आस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स तो कौन करा प्रिजर्व कर सारे कौन करा ट्रांसपोर्ट करा क्या पाक कस्टमर मानक डेवलपमेंट इन फिश प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हाज इनक्रीज सिग्निफिकेंटली एज फिश एंटर्ड इन टू द इंटरनेशनल ट्रेड फिश इज ट्रेडेड इन लिव लाइफ फ्रेश एंड फ्रोजेन क्योर एंड कैंड स्टेट इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी एयर एंड लैंड आम तो आम लैंड द्वारा भी कौन होगी ट्रांसपोर्टेड हो पड़ो एयर द्वारा भी ट्रांसपोर्टेड मैंने एरोप्लेन द्वारा सी द्वारा भी तुम बड़ बड़ जहाज द्वारा भी ट्रांसपोर्ट हो कौन आम फिश सब फ्रेश एंड फ्रोजेन ऑफ रिक्वायर एंड स्पेशल केयर फॉर कंपैरिजन विथ क्योर एंड कैंड फिशेस पिल्ला यादव किसी भी नहीं तुम मुझे फास्ट्रु कही आसी ये तुम ये पेपरटार किसी भी नहीं इकोनोमिक जुलोजी ये तुम आज यूजुआल डेली लाइफ जहाँ हो सब सी लिखा कितना तुम्हें कतरा प्रोसेस सब जानु तुम बेसिकाली
तो से अनुसार पढ़ थैंक यू।